हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्रिकेट चैनल यूट्यूब क्रिकेट 2023 एट द रेट ऑफ यूबीसी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये जो भारत के उभरते पुरुष 5 खिलाड़ियों पर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये ESPN krinchinfo.com के हवाले से ये आर्टिकल बना रहा हूँ। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उभरते पुरुष 5 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। भारत ACC एमर्जिंग मैंस कप के फाइनल में पाकिस्तान ए से हार गया, लेकिन उसे कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले जो आगे बढ़ने के लिए निवेश के लायक हो सकते हैं। तो भारत ने ACC एमर्जिंग मैच कप 2023 को पाकिस्तान ए के उपविजेता के रूप में समाप्त किया। मैदान में कुछ टीमों के विपरीत भारत ने वास्तव में उभरती टीम को मैदान में उतारा, जिसमें 15 सदस्यीय दल में से कोई भी वरिष्ठ स्तर पर नहीं था। 21 वर्ष से कम की औसत आयु के साथ यह सूची ए अनुभव के मामले में अपेक्षाकृत नौसिखिया टीम चुनने वाली एकमात्र टीम भी थी। परिणामों से अधिक उन्होंने फाइनल तक सब कुछ जीता। टूर्नामेंट ने कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के व्यापक प्रतिभा पूल में शामिल होने के लिए अपना दबाव पेश करने में मदद की। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार के बारे में हम पहले ही से बात कर चुके हैं। यहाँ 5 अन्य हैं जो पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहला है निशांत सिंधु। 19 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर सिंधु ने अपने अब तक के छोटे से करियर में घरेलू क्रिकेट में चमक दिखाई है। ए स्तर पर पहुंचने पर उन्होंने बांग्लादेश ए के खिलाफ सेमीफाइनल में क्लच प्रदर्शन में मितव्ययता और चालाकी दिखाई। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर 94 रन था। सिंधु के आते ही बांग्लादेश लड़खड़ा गया, रन कम हो गए, दबाव के कारण लगातार खराब शॉट लगे और बांग्लादेश जल्दी 160 रन पर आउट हो गया, जिसमें सिंधु ने 20 रन देकर 5 विकेट लिए। टूर्नामेंट में उनके 11 विकेट सभी टीमों में सबसे अधिक 11.81 की औसत और 3.94 की इकोनॉमी से आए। 2022 में अंडर 19 विश्व कप विजेता सिंधु को तेजी से हरियाणा की सीनियर टीम में शामिल किया गया, लेकिन 2022-23 में 7 रणजी ट्रॉफी खेलों में उन्होंने केवल 15 विकेट लिए। 10 पारियों में उन्होंने सभी 110 ओवर फेंके, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकांश खेल सिमर अनुकूल ट्रैक पर खेले, खासकर लाहली में, जहां स्पिनर आमतौर पर एक होल्डिंग भूमिका निभाने के लिए कम हो जाते हैं। सिंधु इस चुनौती का मुकाबला कैसे करती है, यह लाल गेंद के गेंदबाज के रूप में उनकी प्रगति को तय करता है। उनकी सफेद गेंद की संख्या स्थिर थी। 8 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में 6.00 की इकोनॉमी से 5 विकेट और 7 विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय मैचों में 4.35 की इकोनॉमी से 4 विकेट। हरियाणा के लिए खेलते समय सिंधु ने काफी हद तक सहायक भूमिका निभाई है। कतार में उनसे आगे जयंत यादव, अमित मिश्रा और राहुल देवतिया है। बल्ले से वह एक प्रभावी निचले क्रम के सीनर साबित हुए हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तर पूर्व क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी खेल में 31 शतक बनाया। सिंधु IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने 2023 में कोई मैच नहीं खेला। हालांकि उन्हें भविष्य के लिए एक प्रतिभा के रूप में पहचाना गया है और आगे चलकर उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। नंबर अगला है बी साई सुदर्शन।
साई सुदर्शन ने उन युवा खिलाड़ियों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट के महत्व को दिखाया जो बेहद प्रतिभाशाली है लेकिन किसी भी कारण से भारत अंडर 19 में जगह बनाने में असफल रहे हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में 5 पारियों में उन्होंने 99.09 स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए जिसमें पाकिस्तान ए के खिलाफ लीग मैच में नाबाद 104 रन की मुख्य पारी शामिल है। अपने स्ट्रोक से आंखों को खुश करने वाले 21 वर्षीय साई सुदर्शन की बल्लेबाजी की कई वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने विशेष प्रशंसा की है। तमिलनाडु के बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ी है। प्रारंभ में एक रिजर्व बल्लेबाज के रूप में निर्धारित उन्होंने केन विलियम्सन की अनुपस्थिति में अवसरों का फायदा उठाया और 8 पारियों में उनके 362 रन 141.40 की स्ट्राइक रेट से आई जो उनके करियर स्ट्राइक रेट 129 से एक पायदान ऊपर था। आईपीएल 2023 के फाइनल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 96 रनों की शानदार पारी खेली। वह टीम जिसके युवा कार्यक्रम में वह अंडर 16 स्तर पर हिस्सा थे। सुदर्शन ने अपने प्रथम श्रेणी करियर की भी स्थिर शुरुआत की है लेकिन बड़ी चुनौतियां इंतजार में हैं। फाइनल में आउट करने का उनका तरीका स्ट्रोक में जल्दबाजी के बाद टॉप एजिंग पुल कई उदाहरणों में से एक था जिसने दिखाया कि उनका शॉर्ट बॉल गेम अभी भी प्रगति पर है। राजवर्धन हंगेकर भारत में सीमा बॉलिंग ऑलराउंडर दुर्लभ है और हंगेकर ने अब तक अपने शुरुआती कैरियर में दोनों के साथ एक उपयोगी खिलाड़ी बनने का पर्याप्त वादा दिखाया है जो उनकी टीमों को संतुलन दे सकता है जिनके लिए वह खेलते हैं। उन्होंने उभरते हुए टूर्नामेंट को 4 मैचों में 10 विकेट के साथ समाप्त किया। लीग गेम में पाकिस्तान ए के खिलाफ 42 रन पर 5 विकेट उनकी लिस्ट ए में सर्वश्रेष्ठ है। फाइनल में भी हेंगरगेकर ने डेथ ओवरों में 2 सेट बल्लेबाजों शतक बनाने वाले तैयब ताहिर और मुसाफिर खान को आउट करने के लिए वापसी की। सिंधु की तरह हेंगरगेकर भी 2022 के विजयी भारत अंडर 19 मैच का हिस्सा थे लेकिन सीनियर क्रिकेट में उनकी शुरुआत कठिन थी। उम्र धोखाधड़ी उल्लंघन के लिए जांच के तहत हेंगरगेकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुए 2022 सीजन से बाहर हो गए और इस साल केवल सिट पिट रूप से खेले। हालांकि मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अनुसार ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सीमित समय में सुपर किंग्स टीम प्रबंधन को काफी प्रभावित किया है और यह भविष्य के लिए एक परियोजना है। वह गति आता है, गेंद को देर से घुमाने की क्षमता रखता है और इसे धीमी विविधताओं और कटर के साथ जोड़ता है जो उसे सीमित ओवरों के क्रिकेट में नई गेंद और डेथ ओवरों दोनों में बेहद उपयोगी पैकेज बनाता है। बल्ले से उन्हें बिग हिटर होने की प्रतिष्ठा मिली है यह साबित करने के लिए अवसर हालांकि कम है। जो सबसे अलग था वह तब था जब पिछले सीजन में विजय हजारे के खेल में उन्होंने छक्का लगाया था जिसकी महाराष्ट्र को बंगाल के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल करने के लिए आखिरी गेंद पर जरूरत थी। हर्षित राणा एक अन्य गेंदबाजी ऑलराउंडर राणा पिछले साल पर्याप्त खेल समय नहीं मिल पाने के कारण निराश हो गए थे। नीतीश राणा की सिफारिश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें एक ट्रायल में देखा और आईपीएल 2023 की नीलामी में उनके बेस प्राइस पर उन्हें साइन करने के लिए काफी प्रभावित हुए। यह एक ऐसा हस्ताक्षर था जिसने तुरंत कोई बड़ा लाभ नहीं दिया लेकिन फ्रेंचाइजी के पास स्पष्ट रूप से निवेश करने लायक प्रतिभा है। राणा 21 साल का है लेकिन
उसके पास इतनी तेज गति की प्रशिक्षक उसकी निरंतरता की तलाश में काम कर सकते हैं। वह डेक पर जोरदार प्रहार कर सकता है और नरम पिचों पर तीव्र उछाल पैदा कर सकता है, जैसे फिरोज शाह कोटला में जहां उसने अपना जूनियर क्रिकेट खेला है। वह इसे 140 से अधिक क्लिक तक भी क्रैंक कर सकता है, जैसा कि उसने आईपीएल में किया था। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए राणा ने उभरते टूर्नामेंट में हर एक गेम में प्रदर्शन किया और 5 मैचों में 7 विकेट लिए। ये चौंकाने वाले रिटर्न नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ चुना गया यह संकेत है कि चयनकर्ताओं को उनमें क्षमता दिखती है। और पिछले महीने ही दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए राणा ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़कर अपनी बल्लेबाजी की झलक दिखाई। अभिषेक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की उस दुर्लभ नस्ल से हैं जो सीमित ओवरों के क्रिकेट में नियमित रूप से काफी ओवर देने में सक्षम है। मध्य क्रम में शुरुआत करने के बाद अभिषेक ने पंजाब के लिए लगातार रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज के रूप में एक सहज बदलाव किया है। हालांकि वह अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और अधिक सुसंगत बनना चाहेंगे, जिसके लिए उन्होंने इस सीजन में 11 पारियों में 2 अर्धशतक के साथ सिर्फ 226 रन बनाए। अभिषेक को अपने भारत अंडर 19 के साथी शुभमन गिल की तरह भविष्य के लिए एक खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। वह 2018 में था, हालांकि उन्हें रैंक में आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अभिषेक की उपयोगिता और निरंतरता उन्हें मूल्यवान बनाती है। बल्ले के साथ वह गेंद पर एक साफ स्ट्राइकर है और गति और स्पिन दोनों के खिलाफ एक ठोस खेल है। उभरते टूर्नामेंट में वह 48.22 की स्ट्राइक रेट से 5 पारियों में 221 रन के साथ तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इसमें फाइनल में बनाए गए 61 रन शामिल थे, जहां वह भारत के लिए एकमात्र उज्जवल चिंगारी थे। तो दोस्तों, ये वीडियो ESPNCrinkoInfo.com की वेबसाइट दिया गया है। आशा है कि आपको पसंद आएगा और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।